रहे हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। इस चुनाव में आपने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को उलझन में डालने के लिए गाय ले आए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गाय का आना, मैं इसी आलोचना नहीं करता हूं, नहीं मैं उसे बुरा मानता हूं, उनका हक है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस और केरल की कांग्रेस अलग है? क्या केरल कांग्रेस के भी मुखिया नामदार है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस का मुखिया भी नामदार है? जो दिल्ली में बैठे हैं वो तो एक ही है, ये कांग्रेस पर एक ही परिवार का कब्जा है। अब ये मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में तो आप गाय का गौरव गान कर रहे हो, लेकिन केरल में खुले आम रास्ते पर कांग्रेस के लोग गाय के बछड़े काट करके उसका मांस खाती हुई तस्वीर निकाल करके बताते हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। तब सवाल उठता है कि कांग्रेस केरल की सच है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की सच है? जरा नामदार आप इस देश को सच्चो बताओ। आप गाय लाओ न लाओ, पसंद करो न करो, ये आपका विषय है, लेकिन कम से कम मतदाताओं को मूर्ख मत बनाओ, ये इनका तरीका है। वे जो वादे करते हैं उन वादों के प्रति उनका खुद का विश्वास नहीं होता है, उनका खुद का भरोसा नहीं होता है। देश विदेश की राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।